हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो को लाइक किया। फ्रेंड्स, उस वीडियो पे मुझे काफी कमेंट्स आए कि एसएससी स्टेनो रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसके बारे में एक वीडियो शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा पर्सनल लास्ट स्कोर था 156, जिसका इंडिविजुअल स्कोर वाज अराउंड 87 इन इंग्लिश, 43 इन रीजनिंग एंड 26 इन जीके। तो फ्रेंड्स, मैं पर्सनल बात करूं तो मैंने ज्यादा कंसंट्रेट इंग्लिश और रीजनिंग पे किया है, जीके पे इतना नहीं किया, लेकिन इस बार थोड़ा इजी था इसलिए 25 से ऊपर स्कोर आ गया। अगर आप जीके में 20-25 भी स्कोर कर लेते तो इट्स वेरी गुड। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश पे और रीजनिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि वही सोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा अगर आप उसमें स्कोर कर लेते हैं तो आपका चांस स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने का इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करें, तो उससे पहले जरूरी है कि आप जो सिलेबस है, जो पेपर स्टाइल है, उससे एक्वेंट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये बुक है अरिहंत का, 20 प्रैक्टिस सेट्स फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सीएनडी। इसमें पास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं जो पूछे गए हैं, और उसी पैटर्न के हिसाब से सेट किए हुए अलग से क्वेश्चन पेपर्स हैं। नो डाउट इसमें काफी मिस्टेक्स है आंसर्स में, बट दिस इज प्राइमरीली फॉर मेकिंग यू अक्वेंटेड विद द पेपर स्टाइल। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप पूरा पेपर स्टाइल कैसा है, किस टाइप का एग्जाम आता है, उससे एक्वेंट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, दूसरा बुक है ये एसएससी स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सीएनडी का, ग्रीन कलर का बुक है, जिसमें हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन का, सपोज अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप फास्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगेन, इसमें भी थोड़े मिस्टेक्स हैं, बट देन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली प्रिपेयर करने के लिए, तो इसमें तीनों सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और तीनों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हर एक सब्जेक्ट को डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हैं, हर एक को अपना इंडिविजुअल टाइम देना चाहते हैं ताकि आप बेटर प्रिपेयर कर सके, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एसएससी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स। हर एक टॉपिक वाइज उसमें सॉल्व आंसर्स और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्प करेगा। अभी मेरे पास इंग्लिश रीजनिंग और जीके का बुक तो नहीं है, एक फ्रेंड को दिया हुआ है, लेकिन इस तरह का आता है एसएससी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर्स 1999 से 2017 तक। तो फ्रेंड्स, आप ये बुक ले सकते हैं इंग्लिश रीजनिंग और जीके के लिए, जो काफी हेल्पफुल है। मैंने पर्सनली इससे प्रिपेयर किया तो मुझे काफी हेल्प मिला है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा इंग्लिश के लिए अगर आप दूसरा कोई बुक लेना चाहते हैं तो केडी पब्लिकेशंस, नीतू सिंह की बुक आती है इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशंस, बहुत अच्छी बुक है, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। जीके के लिए लूसेंट की बुक है, आप ऑलरेडी जानते हैं लूसेंट तो काफी फेमस है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो भी आपको हेल्प रहेगा। फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले पेपर स्टाइल को और सिलेबस को अच्छे से जान लें। अगर आपने पहले दूसरा एसएससी का एग्जाम दिया है, से फॉर एग्जांपल सीजीएल या फिर सीएचएसएल 10+2 का एग्जाम, तो उसके कंपेरिजन में स्टेनो का एग्जाम आई वुड पर्सनली से कि काफी ईजी होता है। द बिगेस्ट रीजन इज कि उसमें मैथ्स नहीं होता है। काफी स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स इतना अच्छे से नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग मी। तो आप इसको एसएससी स्टेनो के रिटन एग्जाम को क्रैक करना काफी सिंपल है, प्रोवाइडेड यू प्रिपेयर वेल। आप अलग अलग टाइप के टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन testbook.com है, बहुत सारी वेबसाइट है, महेंद्रास के वीडियोज आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। द मेन थिंग इज कि आप कॉन्फिडेंस, कहीं बच्चे हैं ना डर जाते हैं कि नहीं अभी तो एग्जाम इतने टाइम बाद है, नहीं हो पाएगा, उससे बेटर है आप जितना अपना बेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाने जाएंगे ना फिर भी दैट वोंट वर्क, इससे बेटर है सिंपल माइंडसेट के साथ हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। एटलीस्ट दिन में एटलीस्ट 200 MCQs करें, कोई भी एक सब्जेक्ट ले ले, एक दिन में एक सब्जेक्ट करेंगे आप, से फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश कर रहे हैं तो पूरा दिन इंग्लिश करें,
सो दैट वुड मेक इट वेरी इजी फॉर यू रादर देन डूइंग ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स ऑन द सेम डे. तो फ्रेंड्स अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग दिन करेंगे तो आप इजीली हर एक टॉपिक को डाइजेस्ट कर पाएंगे. आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्प करे. मैं ये सारी बुक्स की लिंक्स भी आपको अगर ऑनलाइन खरीदनी है तो मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं आगे भी आपके पास ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा. थैंक यू.